ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के साथ, ये व्यवहार विपक्ष के साथ। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी के दिन हुए हिंसा पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और आज बजट सत्र के अंतिम दिन हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ और सुबह प्रश्नकाल की सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने रामनवमी हिंसा का मुद्दा उठाया, जिस पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए और सदन में हिंसा को लेकर बीजेपी विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के सवालों पर जब सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा था, इसी दौरान विधायक जीवेश मिश्रा हंगामा करने लगे और आसन की ओर से बार बार जीवेश मिश्रा से शांत रहने की अपील भी की गई और हंगामा जारी रहने पर विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के आदेश पर मार्शल विधायक जीवेश मिश्रा को उठाकर जबरन सदन से बाहर ले गए। वहीं स्पीकर के कहने के बाद मार्शल आउट होने पर जीवेश मिश्रा ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के साथ, ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के साथ, ये व्यवहार विपक्ष के साथ। बिहार में जो दंगा हुआ, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदू के रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, हिंदू पे आम किया गया, मैंने मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए कहा, मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए मैंने कहा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी और अमित शाह का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है, दो लोग हैं, एक राज कर रहे हैं और दूसरे उनके एजेंट हैं और यही दोनों मिलकर यह सब गड़बड़ कर रहा है, यह जनता देख रही है और यह सब लोग सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करते हैं। काम किया बहुत अच्छे ढंग से, सब चीज कंट्रोल हुआ और एक एक आदमी से पूछे और जान लीजिए सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा करके देख रहा है, तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा। ये जानबूझ करके जानते हैं ना ये सब किया गया, एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए, बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है, बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार और उसको हम ही किए बिहार शरीफ, आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद, और कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए, और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ ना कुछ अंदर से इधर उधर किया, तो उस सब पर भी जांच हो रही है और सब लोगों से यही हमारी अपील है कि भाई आपस में कोई तरह का ये सब नहीं होना चाहिए, आज तक हुआ ही नहीं, तो ऑल ऑफ ए सडन वहां काहे के लिए हुआ, तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है, किस तरह से होता है हम तो आप लोगों को क्या बोले, अरे आप लोग भी क्या बोलिएगा, आप लोग सब पटना में है, लेकिन जब दिल्ली का देख न लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार उखबार सब में क्या क्या लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है, यहाँ पर बिहार में कहीं होता है, और दो लोग है समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना, ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के साथ, ये व्यवहार विपक्ष के साथ। ताज़ा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।